दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपका लीवर छोटा है, कठोर है, सूजा हुआ है, ऐसे में हम आपके लिए एक उपाय लेके आए हैं। अगर आप अनेक दवाएं खा खा कर परेशान हो गए हैं तो ये साधारण सा दिखने वाला उपाय आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक कागजी नींबू का, अच्छा पका हुआ कागजी नींबू। आप क्या करें, एक कागजी नींबू लेकर उसके दो टुकड़े कर लें, फिर बीज निकाल कर आधा जो नींबू है उसके चार भाग करें, लेकिन उन्हें काटना नहीं है, उनके चार भाग आपको डिसाइड करने हैं। उसके बाद एक भाग में आप काली मिर्च, दूसरे भाग में काला नमक यानी कि सेंधा नमक, तीसरे में सौंठ का चूर्ण और चौथे में मिश्री रख दें या भर दें। रात को प्लेट में रखकर इन्हें ढक दें। प्रातः सवेरे भोजन करने से एक घंटे पहले इस नींबू की फाक को मंदी आँच या तवे पर गर्म करके चूस लें। दोस्तों आवश्यकता अनुसार 7 दिन से 21 दिन तक अगर आप ये करते हैं तो लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे यकृत विकार ठीक होने के साथ पेट दर्द, मुंह का जायका भी ठीक होता है। दोस्तों ये लीवर के कठोर या छोटे होने की स्थिति में बहुत लाभकारी होता है। पुराना मलेरिया बुखार, अधिक मद्यपान, अधिक मिठाई खाने के कारण लीवर में रोगों की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ सावधानियों की। दोस्तों आप 2 सप्ताह तक चीनी या मीठा इस्तेमाल न करें। अगर दूध मीठा पीते हैं तो चीनी के बजाय दूध में आप 4-5 मुनक्का डालकर मीठा कर लें। रोटी कम खाएं और अच्छा हो तो जब आप ये उपचार लेते हैं तब रोटी न खाकर आप फल सब्जियों से ही गुजारा कर लें। सब्जी में मसाला न डालें। टमाटर, पालक, गाजर, बथुआ, करेला, आंवला, जामुन, सेब, आलू बुखारा, छाछ इत्यादि का आप प्रयोग कर सकते हैं। घी और तली वस्तुओं से आप परहेज करें। 15 दिन के इस्तेमाल से ये आपको लाभ देना शुरू कर देता है। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।